रोशन किया है। आप भारत की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, आप हिमाचल और मंडी की बेटी है, और आपका आपको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा का मंडी से टिकट दे करके आपने पूरे भारतवर्ष में नारी जगत का सम्मान किया है। और मंडी के हम सभी भारतीय जनता पार्टी किसी का हाथ नीचा नहीं रहना चाहिए। आपकी एक महिला को हम पार्लियामेंट भेजेंगे, ये सभी का हमारा प्रयत्न होगा। मैं इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब मेरा निवेदन रहेगा हिमाचल प्रदेश के जननायक, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से कि वे यहाँ पर आए और अपनी बात हम सबके बीच में रखें। क्योंकि मंडी के नाम को इसी प्रकार से प्रश्न करके मांडव ऋषि की धरती को आंकड़ों में ठीक है। प्रिया जी ने जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किया, उसका पूरी मंडी में विरोध है, पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध है और पूरी देवभूमि में विरोध है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस मंडी का जिक्र वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी वो है जो मांडव ऋषि की तपस्थली रही है और उसी नाम पर, मांडव ऋषि जी के नाम पर मंडी का नाम पड़ा। ये मंडी वो मंडी है जो छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मंदिर है जिनके प्रति श्रद्धा है, आस्था है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के उस नेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मंडी को बदनाम करने की कोशिश की है, उसका विरोध करने के लिए आज मंडी के लोग जो है, नौजवान, हमारी बेटियां, माँ बेटियां सब इस मंडी को इस प्रकार से बदनाम नहीं करने की इजाजत दी जा सकती। और विशेष तौर से मंडी की बेटी कंगना रनौत को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। मंडी के लोग मंडी की बेटी के साथ इस बात का संदेश देने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा है। हालांकि कांग्रेस की उस नेत्री ने कहा कि मैंने वो डिलीट कर दिया जो सोशल मीडिया में डाल दिया था, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया हैंडल का जो एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है। अगर बहुत सारे लोगों के पास है तो कौन व्यक्ति था जिसने सोशल मीडिया में ये पोस्ट डाली, जिसने अपलोड किया, उसके खिलाफ अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है और आदत विशेष तौर से चाहे वो राहुल गांधी की चाहे वो बात शक्ति की करते हैं, लेकिन सनातन का खुलेआम विरोध करते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं के समय हिमाचल प्रदेश में गुड़िया हत्याकांड हुआ था, छोटी सी स्कूल जाने वाली बेटी उसके साथ बलात्कार और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या होती है, कुछ नहीं कर पाए थे, सरकार कांग्रेस की थी। नैना सैनी का कांड तंदूर में जला करके टुकड़े टुकड़े करके उसके पति ने उसको कर दिया, कांग्रेस पार्टी का यूथ का प्रेसिडेंट होता था,
दिल्ली, ये कांग्रेस के नेता इस प्रकार से महिला के बारे में अपनी जो बातें कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इस भावना को ही नहीं समझ पाए हैं। और मंडी के खिलाफ जिस प्रकार से इन्होंने जो टिप्पणी की है, उसका विरोध मंडी में तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे देश पर भी झेलना पड़ेगा। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ। और मंडी, मंडी की बेटी के साथ है, कंगना रनौत जी के साथ है। कंगना रनौत जी यहाँ लोकसभा का चुनाव लाखों वोटों से जीत करके दिल्ली पहुँचेगी, और एक जनप्रतिनिधि के नाते ही वो अपनी भूमिका को उसी प्रकार से बेहतर ढंग से निभाएगी जिस प्रकार से फिल्म जगत को निर्माण करते हुए मेहनत करते जो है एक मुकाम हासिल। सर, कोई शिकायत सौंपी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।